सचिन पायलट रेजोल्यूशन है। अब हमारे चीफ गेस्ट और राजस्थान के पूर्व डेप्यूटी सीएम जिसको सुनने के लिए आप काफी समय से यहां पे इंतजार कर रहे हैं, मैं से हमारे मेहमान सम्माननीय श्री आदरणीय श्री सचिन भाई पायलट जी को विनती करता हूं, वेलकम सर, और हमारी जनता को बताइए कि कांग्रेस क्या है और हमारे कैंडिडेट को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट से लीड कर सकते हैं। वेलकम सर सचिन भाई पायलट जी। कांग्रेस पार्टी के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार धर्मेंद्र पटेल जी, अरविंद चौहान साहब, दिनेश जी, राजू भाई देसाई साहब, सेंगल साहब, राजस्थान से मेरे साथ आए हमारे सम्माननीय विधायक सुरेश मोदी जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, साथियों, एक बार फिर गुजरात के लोगों को, आप सब लोगों को आने वाले 5 साल का भविष्य तय करना है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, 5 तारीख को वोट पड़ेंगे। और अभी देवेंद्र भाई का मैं भाषण सुन रहा था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप उम्मीदवार हो, आप इतना शॉर्ट में भाषण दिया है आपने, तो उन्होंने कहा जनता मेरे को अच्छी तरह जानती है, मैं कितना काम किया नहीं किया, मेरे को भाषण देने की जरूरत नहीं है, मेरे को सब पहचानते हैं जानते हैं। और आज जो माहौल मुझे दिख रहा है, आज की सभा में हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इस बात का प्रतीक है कि इस नौजवान व्यक्ति ने आपके बीच में मुश्किल समय में, कठिन समय में अपनी सेवाएं दी। प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, सांसद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में तन मन धन से आपके बीच में दुख और सुख में धर्म भाई खड़े रहे। और आज आप लोगों की जिम्मेदारी है कि 5 तारीख को जब वोट पड़े तो कांग्रेस के हाथ के निशान पर वोट डालकर इस विधानसभा क्षेत्र से हमारे छोटे भाई देवेंद्र भाई को जिताकर आपको भेजना है, विधायक बनाना है। और आप सबने 2019 के अंदर जब उपचुनाव था, जब पूरी प्रदेश की सरकार की ताकत लगी थी, तब बहुत कम अंतर से रह गए थे, 2500-3000 वोट ऊपर नीचे होता तो आज ये विधायक बनते। लेकिन मैं जानता हूं आज यहां जो माहौल मुझे देखने को मिल रहा है कि 8 दिसंबर को गिनती होगी, जो पिछली बार कमी रह गई थी उस कमी को सूद समेत पूरा करकर भारी बहुमत के साथ यहां से आप इनको जिताकर भेजिए। आज पूरे गुजरात में, पूरे देश में जो चर्चा होती है, चर्चा होनी चाहिए मध्यम वर्ग की, दुकानदार की, किसान की, नौजवान की, गरीब की, पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, उनके जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, महंगाई को कैसे कम किया जाए। गैस का सिलेंडर 1100-1200 रुपए का बिक रहा है, पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार कर गया, डॉलर की कीमत 80-85 रुपए हो गई। इसको समझने संभालने वाले लोग नहीं बैठे हैं दिल्ली में, गांधीनगर में, जिन लोगों को सत्ता की चाबी दी है, वो सिर्फ प्रचार कर माहौल बनाकर, विज्ञापन छापकर, व्हाट्सएप भेजकर लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। आज चुनाव होना चाहिए, प्रदेश और देश के अंदर निवेश हो, रोजगार लगे, उद्योग लगे, लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि चुनाव इन मुद्दों से हट जाए, किस नेता ने किस नेता को क्या बोल दिया, मेरे स्वाभिमान को चोट लग गई, मेरे को अपशब्द बोल दिए, मेरे को भुला भरा बोल दिया। अरे छोड़ो सबको, आप तो बताओ इस देश में, प्रदेश में महंगाई कब कम होगी, हमारे लाखों बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं, हमारे गरीबों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, छोटी मोटी दुकान चलाने वाले लोगों को जीएसटी की मार पड़ी है, नोटबंदी यहां पर कर दी। प्रदेश में 27 साल से एक पार्टी का राज रहा, और अगर भाजपा की सरकार से सब लोग खुश होते तो पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया, मुख्यमंत्री को बदल दिया। और आज चुनाव में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सब देश के मुख्यमंत्री यहां पर पड़े हैं। अगर गुजरात की सरकार के काम से लोग खुश होते तो
तो क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री जी को रोज यहां पर आने की, क्या जरूरत थी रक्षा मंत्री गृह मंत्री को यहां पर आने की? अगर मुख्यमंत्री के काम से, सरकार के काम से, मंत्रियों के काम से, विधायकों के काम से भाजपा हर चुनाव में अपने वर्तमान विधायकों का टिकट काट देती है, अपने मंत्रियों को हटा देती है, मुख्यमंत्री को हटा देती है, कोई जवाबदेही नहीं है। आपने 4 साल काम किया, आपको हटा दिया, अब सवाल किसे पूछोगे? बार बार मौका देते हैं और जितनी उम्मीद है उसके अनुरूप काम नहीं हो पाता। अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, मैंने बहुत कई दिनों तक वहां पर प्रचार किया, वहां पर बड़े अच्छे बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने वाली है, और गुजरात के अंदर भी ये जो मर्जी प्रचार कर लें, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता एक एक वार्ड, एक एक तालुका, एक एक पंचायत, एक एक गांव में मौजूद है और मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये विधानसभा चुनाव गुजरात की तकदीर को तय करने वाले हैं, और जिस हिम्मत से धमेंद्र भाई ने आपके बीच में काम किया, एक आपका बेटा भतीजा बनकर आपके दुख सुख में शामिल रहे, एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में काम किया, मैं समझता हूं कि 36 कौम के लोग, हर जाति बिरादरी के लोग आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, आपको विधायक बनाना चाहते हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि जब 8 तारीख को गिनती होगी तो सबसे पहला और सबसे मजबूत विजयी जो होगा वो हमारा धर्मेंद्र भाई पटेल होगा यहाँ से, मैं ऐसा मानता हूँ। और मैं तो हिमाचल प्रदेश में प्रचार कर रहा था, कल मैं राजस्थान में था, आप जानते हो राहुल गांधी जी की यात्रा चल पड़ी है पूरे देश के अंदर, और जिन मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी यात्रा निकले हैं बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, राहुल गांधी जी 3 महीने से पैदल चल रहे हैं, उन्होंने कभी किसी को गाली दी, किसी पे आरोप लगाया, किसी को बुला भरा कहा? वो सिर्फ किसान से, मछुआरों से, गरीब लोगों से, सैनिकों से, महिलाओं से, बच्चों से, सब लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, और कहते हैं कि इस देश में संस्थाओं को मजबूत करना है, जमहूरियत को, लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को मजबूत करना है, जनता की जवाबदेही सरकार को देनी चाहिए, गरीबी कम हो, कुपोषण कम हो, रोजगार लगे, महंगाई कम हो, इस मुद्दे को लेकर। और देश में जो एक प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अपनापन था वो बरकरार रहे, इस मुद्दे को लेकर वो यात्रा निकल रही है। लेकिन भाजपा के साथियों को बहुत परेशानी है, वो बहुत विचलित हो रहे हैं, क्योंकि लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, और राजस्थान में यात्रा आने वाली है 2-3 दिन के बाद। लेकिन मैं आपके बीच में आज वोट मांगने के लिए आया हूं, और मुझे लगता है कि आप सब पहले से मन बनाए बैठे हो। अभी जैसा धमेंद्र भाई बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, अभी 2-4 मंत्री पहले भी आ गए और लोग भी आएंगे, लेकिन आप लोगों को न्याय के तराजू में दोनों तीनों उम्मीदवारों को तोलना है, और अपनी कृपा करके अपनी वोट जाहिर ना करें, अपनी वोट खराब ना करें, आप उस व्यक्ति को वोट दें जो जीत कर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हो। और मैं जानता हूं कि यहां से विधायक बनेंगे, भारी बहुमत से धमेंद्र भाई जीत कर जाएंगे, और आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा वो काम करते रहेंगे। बदलाव की हवा हर जगह है, हिमाचल में सरकार हम बनाने वाले हैं, और गुजरात में भी जो परिणाम आएंगे चौंकाने वाले आएंगे। ये जो हवा में सब घूम रहे हैं 27 साल तक काम करते करते, अब उनको लगता है कि जनता से वोट मांगना ही बेकार है, जनता हमारी जेब में है, चुनाव से पहले आएंगे, 2-4 बड़े बड़े इवेंट करेंगे, अखबार में, टीवी में, मोबाइल में अपना फोटो दिखाएंगे और वोट ले जाएंगे। लेकिन जो काम करेगा, जो त्याग तपस्या से, समर्पित भाव से, ईमानदारी से लोगों के बीच में रहेगा, उस व्यक्ति को जनता चुनकर भेजती है। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि 5 तारीख को मतदान होगा, सुबह सुबह उठकर किसी के बहकावे में, किसी के लालच में, किसी के दबाव में नहीं आना, अपने मन की आवाज को सुनना है, और जो व्यक्ति आपके बीच में निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है उसको अपना आशीर्वाद देकर वोट डालकर जिताना है, मैं आपसे अपील करता हूं। इसलिए सभी समाज के लोग, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो गुजरात के बाहर के हों, यहाँ के हों, स्थानीय हों, दलित हों, पिछड़े हों, मध्यम वर्ग के हों, अगड़े हों, किसी जातीय बिरादरी के हों, सब बातें भूलकर, और ये बहुत पुरानी बात हम कहते आए हैं, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, इसलिए हाथ पे वोट डालकर भारी बहुमत से 5 तारीख को जिताएं। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आज इस चुनावी कार्यक्रम के बहाने आप लोगों से मिलने का मौका मिला, आप लोगों से आशीर्वाद लेने का मौका मिला, तमाम साथियों ने मेरा स्वागत सत्कार किया, मैं उसका बहुत आभारी हूं, और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो, आपके बच्चे तरक्की करें, और आपकी झोली में भगवान ढेर सारी खुशियां रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, राम राम साहब।
थैंक यू पायलट साहेब अमरेवाड़ी मां नम